हेलो एवरीवन, मैं ओमकार गर्गे आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल OMG एवोल्यूशन में। और आज के इस वीडियो में आपको मूवीज 2.0 के बारे में फुल जानकारी दूंगा कि कौन से फीचर्स आपको मिलने वाले हैं और कुछ ओला स्कूटर की डिलीवरी के अपडेट्स भी रहेंगे उसके अंदर। तो वीडियो फुल देखिए एंड तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चलिए आज का वीडियो हम चालू करते हैं हमारा। कल रात को भावेश अग्रवाल जी ने दो ट्वीट किए ट्विटर पर, जिसपे वो मूवीज 2.0 का फर्स्ट लुक दिखा रहे हैं, कुछ फीचर्स भी शो कर रहे हैं और उनके सेकेंड ट्वीट पे गाड़ी के फुल फीचर्स गेस करने के लिए बताते हैं। तो हम वो वीडियो प्रॉपर देखेंगे और उनकी गाड़ी में कौन से नए फीचर आने वाले वो चेक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं प्ले म्यूजिक के साइड में वो कमिंग सुन आता था, अभी वो जा चुका है, अभी हम म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। और अभी वो नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं तो फुल मोबाइल जैसे रहेगा, फुल उसके अंदर टाइप करेंगे आपका लोकेशन, फिर वो शो करेगा, फिर आपका नेविगेशन चालू हो जाएगा सेलेक्ट करने के बाद। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत हेल्पफुल भी है, क्योंकि हम जब गाड़ी पर कैरी करते हैं मोबाइल और मैप ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमको दोनों जगह पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये अच्छा रहेगा कि हमको नेविगेशन हमको स्क्रीन के ऊपर ही मिलेगा। लेकिन इसमें एक बहुत गौर करने की चीज़ है, आप देख आइकॉन देख सकते हैं नीचे डैश के ऊपर, तो ये कुछ नए आइकॉन है क्योंकि हमको नॉर्मल स्कूटर में देखने को नहीं मिलता। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा आइकॉन हो सकता है वो। तो जैसे कि हमारा ओला का लेफ्ट हैंड साइड का कीपैड है तो वहाँ एक हमारा रिवर्स का बटन रहता है, तो वहाँ पर सेम आइकॉन देखने को मिलेगा आपको है क्रूज़ कंट्रोल के लिए। तो हमको लगता है वो नया फीचर है वो क्रूज़ कंट्रोल है, क्योंकि बहुत से लोग उस फीचर के लिए भी बहुत एक्साइटेड है। और एक हो सकता है कि वो एक हमारा स्पीड लिमिट हो सकता है, क्योंकि हमको जब उन्होंने पहले बताया था कि हम गाड़ी में हमारा लिमिट में लगा सकते हैं स्पीड के लिए, तो जब हम वो स्पीड को लिमिट लगाते तो वो आइकॉन आता है कि स्पीड लिमिटेड है बोल के। और मैं आपको उनका दूसरा वीडियो भी दिखा देता हूँ कि आप उसमें वो सॉन्ग भी सुन सकते हैं, तो देखिए फुल वीडियो। तो जैसे कि आपने देखा कि उसमें और भी नए फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, नेविगेशन दिखा रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिखा रहा है, अब आपके रिसेंट लोकेशन सेव कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऑफिस का लोकेशन है वो पहले फिट कर सकते हैं या हाउस का लोकेशन, तो आपसे क्लिक करने से आप पहुँच सकते हैं, आपका नेविगेशन चालू हो जाएगा। लेकिन वह एक और गौर करने की चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी का रेंज 136 किलोमीटर दिखा रहा है और गाड़ी इको मोड में है, तो आप गाड़ी को इको मोड में डाल सकते हैं। आपको 15% में बैटरी आने की ज़रूरत नहीं इको मोड में जाने के लिए, आप पहले से उसको इको मोड में डाल के आपको ज़्यादा रेंज आपको मिल सकती है। और आपको इको मोड में ज़्यादा से ज़्यादा रेंज आपको 181 किलोमीटर्स का मिलेगा, जो हमको पहले प्रॉमिस किया था। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फुल वीडियो। ये मेरी वाला गाड़ी है और एक दिन इसमें एक बग आ गया था और गाड़ी 63% में भी इको मोड में चली गई थी और इसमें रेंज आपको देख सकते हैं साइड में दिखा रहा है 117 किलोमीटर्स। तो अगर आप इसका अंदाज़ा लगाते तो गाड़ी फुल चार्ज में 181 रेंज आपको देगी इको मोड में, क्योंकि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत से लोग वेट कर रहे थे इको मोड के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं रहती है और लेकिन उनको सिर्फ ज़्यादा रेंज चाहिए रहता है। तो इको मोड में जब हम गाड़ी डालेंगे तो हमको 181 किलोमीटर्स मिलेंगे, तो अंदाज 181 बोलते हैं लेकिन वो हमको 150-160 तक भी मिल सकता है हमारे राइडिंग स्टाइल के ऊपर, तो उतना भी बहुत ज़्यादा है 135 से। तो एक बहुत न्यूज़ है अच्छी, जो हमको अभी फीचर्स मिलेंगे वो रहेंगे हमारा ब्लूटूथ म्यूज़िक का रहेगा, फिर नेविगेशन रहेगा, क्रूज़ कंट्रोल रहेगा, इको मोड रहेगा और ऐप भी आ सकता है, हमको कुछ श्योर नहीं है हम, क्योंकि हमको ऐप का भी तो कुछ डेमो नहीं दिखाया। तो और हमको प्रोफाइल भी मिल सकते हैं, हमको स्पीड लिमिट लगाने को भी मिल सकता है। और ये मेरा खुद का वीडियो है जो मैंने आपको दिखाया था इको मोड का, ये आपको किधर भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरे गाड़ी के साथ ही हुआ था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ही न्यूज़ चाहिए आगे तो। और मैं बहुत सी वीडियो डालने वाला हूँ, जो हमारा स्क्रीन गार्ड का रहेगा, मैंने 369 का स्क्रीन गार्ड 185 में कैसे लिया वो भी आपको बताऊंगा। वो सब जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और आपको कुछ मैं ओला की डिलीवरी अपडेट्स बता देता हूँ। और बहुत से लोगों का डिस्पैच भी हो चुका है गाड़ी, और डिलीवरी भी हो रही है, कल भी बहुत से लोगों का डिस्पैच दिखा रहा है, डिलीवरी दिखा रहा है, और उनको इंश्योरेंस कॉपी भी जनरेट हो चुका है, उनको अभी रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज भी आया है, तो आपको सब देख सकते हैं, आप फोटोज़ भी देख सकते हैं, वीडियोज़ भी देख सकते हैं। बहुत जल्दी हो रहा है डिलीवरी सबका, आपकी भी गाड़ी जल्दी आपको मिल जाएगी, आप सब्र रखिए, सबका डिस्पैच हो रहा है, सबका डिलीवरीज भी हो रहा है। और 18 मार्च का भी जिन्होंने बुक किया था उनका भी डिस्पैच हो रहा है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे हो रहा है, क्योंकि 17 का भी बहुत बाकी है, लेकिन वो बीच में ये 18 को कैसे कर रहे हैं। मुझे लगता है जिन्होंने कैंसिल किया था तो उनकी गाड़ी है वो दूसरों को दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ आपकी गाड़ी कैंसिल मत कीजिए, गाड़ी बहुत अच्छी है, आपको बहुत मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। और अभी मूवीज 2.0 भी आने वाला है तो और भी मज़ा आएगा उसमें, तो आप टेंशन मत लीजिए अगर आपकी गाड़ी डिस्पैच नहीं हुई अभी तक, क्योंकि अभी नहीं हुई तो आपको 30 अप्रैल पर तो हो ही जाएगी, क्योंकि उससे लेट नहीं होता वो, क्योंकि 30 अप्रैल पर सबका डिस्पैच हो ही जाता है। तो प्लीज़ बने रहिए आप, और मैं आज के वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और थैंक यू।